नमस्कार दोस्तों, मैं नीटू एक फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट हेल्थ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बालों को कैसे काला कर सकते हो, अपनी सफेद दाढ़ी मूछों को कैसे काली कर सकते हो, हमारे जो सिर के अंदर जो डैंड्रफ होता है उसको कैसे जड़ से मिटा सकते हो, वो भी हमेशा के लिए अपने घर पर मेडिसिन तैयार करके बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन स्क्रॉल करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों हम बात करने वाले थे हम अपने सफेद हो चुके बालों को कैसे काला करते हैं, दाढ़ी मूछों को कैसे काला कर सकते हैं बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से। ये सफेद क्यों होते हैं दोस्तों? हार्मोनल इंबैलेंस के कारण या फिर हाई डोज की मेडिसिन ले लेने के कारण, और उम्र के साथ साथ भी ये सफेद हो जाते हैं। उनको काला करना बिल्कुल आसान है, आप अपने घर पर एक नुस्खा तैयार करके आप इनको काला कर सकते हो, चाहे दाढ़ी हो चाहे मूछ हो, साथ में आप जो डैंड्रफ होता है सिर में उसको भी आप जड़ से खत्म कर सकते हो, वो भी हमेशा के लिए। इससे होगा क्या कि आपकी बाल आपके जो बाल हैं वो झड़ने भी साथ साथ में बंद हो जाएंगे, रूस के कारण बाल झड़ने लग जाते हैं। दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको इसमें जरूरत होगी दोस्तों आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आपको नियरेस्ट किसी दुकान पर मिल जाएगा, नहीं तो किरियाना की दुकान से आप ले लीजिए, पंसारी की दुकान पे, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस पर होकर करके आप अपने घर पर उसको ऑनलाइन मंगा सकते हो। आपको क्या करना होगा दोस्तों, एक लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, उसके अंदर आप 1 लीटर पानी डाल लीजिए, लोहे की कढ़ाई के अंदर 1 लीटर पानी डाल लीजिए और उसके अंदर 50 ग्राम या फिर 1 कटोरी आप आंवला पाउडर डाल लीजिए। आंवला पाउडर डालने के बाद आप उसको अच्छे से घोल लीजिए, अच्छे से घोलने के बाद आप उसको रख दीजिए शाम को। सुबह उठने के बाद दोस्तों आप उसको गर्म कीजिए, गैस पर उसको गर्म कर लीजिए। गर्म उसको दोस्तों तब तक करना जब वो 1 लीटर पानी आधा लीटर ना रह जाए या फिर उससे भी कम, यानी कि भाप बन के बाकी का उठ जाएगा और आधा वो पानी बच जाएगा। फिर उसको ठंडा होने दीजिए, जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आप उसके अंदर 1 कटोरी ताजा दही, दही दोस्तों आपने सभी ने सुना होगा, 1 कटोरी ताजा दही उसके अंदर डाल लीजिए और उस दही को उस पानी को अच्छे से घोलकर उसका पेस्ट बना लीजिए। बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही बन जाएगा जैसा कि आप मेहंदी लगाते हो अपने बालों में, जो मेहंदी लगाते हैं ना काला करने के लिए, वो ऐसा ही बन जाएगा। और उसको आप ऐसे ही अपने बालों पर अप्लाई कीजिए, अपनी दाढ़ी मूछों पर अप्लाई कर लीजिए जैसे कि आप मेहंदी को करते हो। दोस्तों आप अगर ये हफ्ते में 2 या 3 बार अगर आप ये कर लेते हो और लगातार अगर आप ये करते हो तो आपके बाल हमेशा के लिए बिल्कुल काले हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, टूटना बंद हो जाएगा बालों का, साथ साथ में आपके जो अंदर डैंड्रफ है बालों के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, सिल्की बाल हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, बिल्कुल काले हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है, अगर आप इसको करते हो तो आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, मेहंदी वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है, मेहंदी से हमारी आंखों पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और दोस्तों अगर आपको कुछ दिमाग में तो आप कॉमेंट कर दीजिए, मैं 100% आपका जवाब दूंगा। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।